अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका अपना अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं रैम्पेज मियां व्लॉग्स। आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमें जाना है गांव शादी पे, तो निकल चुके हैं। यहाँ पे मेरे साथ हैं मेरे फादर, मैं और मेरे फादर जा रहे हैं शादी पे। यहाँ पे पापा तो मेरी वीडियो बना नहीं थे सकते थे, इसीलिए मैंने पापा की वीडियो बनाई। ये बाहर से ही अच्छी है ओरिजिनल लाइन ट्रेन, बाकी नीचे वाला हिस्सा तो वैसे ही है जैसे आम ट्रेनों का होता है, जो पटरी वगैरह लगी होती है नीचे, गंद होता है, बिल्कुल वही सीन है इसका भी। फैसल मूवर्स पे पहुँच चुके हैं, अभी टिकट्स लेनी है हमने। टिकट्स वगैरह लेके तो मैंने सोचा कुछ खाने पीने को ले लिया जाए, तो हमने ले ली है लेज और बोतल वगैरह। वेल डन। गाड़ी का अभी टाइम था निकलने में, तो वेटिंग एरिया में आ गए। यहाँ पे मेरे साथ हैं मेरे पापा, मेरे फादर, और वो पड़ा है खाने पीने का सामान भाई। और ये हमारा अटैची जिसमें है सामान वगैरह, पीछे वॉशरूम था बहुत अच्छा बना हुआ था। पापा मुझे देख रहे हैं, जो मैंने उनके कार से पेमेंट की वो कब वापस करूँगा। फैसल मूवर्स की बस बहुत अच्छी है, इनमें बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं हमें मूवीज़ की। बहुत सारी मूवीज़ थी इसमें, ख़त्म ही नहीं थी हो रही, बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं और बिल्कुल लेटेस्ट मूवीज़ मिलती हैं हमें बिल्कुल। यहाँ हमें कार्टून मूवीज़, कॉमेडी मूवीज़, एडवेंचर, हॉलीवुड, बॉलीवुड सारी मूवीज़ मिल जाती हैं। ये कोई फैसल मूवर्स की प्रमोशन नहीं है, पर बहुत अच्छी बस इन्होंने बनाई है। या बहुत सुकून का इनका सफ़र था, 4 घंटे का सफ़र था और पता भी नहीं चला कब ख़त्म हो गया। और इसी में हमें ऑप्शन मिल जाता है बेल का, मतलब कि हम बस होस्टेस को बुला सकते हैं इधर से बेल करके। सीट का कंफर्ट चेक करें, बहुत ही कंफर्टेबल सीट थी, मज़ा आया। यहाँ पे 10 मिनट के स्टे के लिए बस रुकी, तो मैंने कहा थोड़ा सा उतर के बाहर का व्यू दिखाया जाए और थोड़ी सी वेपिंग की जाए। बोले पढ़ने लिखने वाले छात्रों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। बस होस्टेस ने बोला कि सीट बेल्ट लगा लो, तो सीट बेल्ट लगाई तो लग नहीं थी, मैंने कहा अपना बेल्ट पहना हुआ ना वही बहुत है। यहाँ पे पिक करने आ चुके थे मेरा कज़न और मेरा मामू, और गाड़ी में पिक करने आए थे मामू मेरे और मेरा कज़न आया था, सामान वगैरह गाड़ी में रखा और चल पड़े घर को। मेहंदी रात की थी, तो वहाँ पहुँच के थोड़े से क्रिकेट इंजॉय किया जो बच्चे खेल रहे थे दादा अबू के साथ। ये मेरे बैठे हैं दादा अबू, वो भी हैरान होकर देख रहे हैं किस काम में पड़ा हुआ ये। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट किया, और ये मेरे आगे पड़ी थी पैसों की टोकरी, मेरा तो बस नहीं चला नहीं तो उठा लेता। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। ये हम खड़े हैं रेडी होकर बरात के लिए, थोड़ी सी रस्म हो रही है, वो रस्म होते ही बरात के लिए निकल जाना। ये सब बरात का ही वेट कर रहे हैं, जो मेहंदी पे नहीं कर पाया वो बरात पे कर दिया, छीन लिया सारे पैसे सर वाले से। सही हो गया भाई, और सही हो गया। कौन सही है? वो नहीं आती ने नहीं देखी हमजा, आपके साथ तो प्रैंक हो गया। दादा वाह, दूल्हे की गाड़ी तैयार होकर आ चुकी है। ये खड़े हैं जी यहाँ पे दूल्हा साहब, साथ खड़े हैं सरमाला साहब, दोनों साथ में खड़े हुए हैं।
और यहाँ से आ गए हैं दूल्हा और सरमाला के दोनों के भाई। ये बैठ गए दूल्हा साहब गाड़ी में, तो चलो चले बारात लेकर। यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था निकाह और कैमरा मैंने अपनी तरफ से कर लिया। निकाह उनका पढ़ाया जा रहा, तू क्यों मनोज शक्ल दिखा रहा? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बस तीन बार कह देने से निकाह हो जाता है। रोटी खोल दो शफीक अहमद। खाने में हमारे पास जर्दा चावल, गोश्त, बड़ा गोश्त और रोटियां थी। कैमरा बंद कर दे। क्यों कांद करा मेनू ए दस? ठाके लेके जा रहे है ये। ठाके लेके जा रहे है तू? पुलिस नु बुलाओ। हैं? जनता माफ नहीं करेगी। ये बैठे हैं सड़माला साहब खा पी के अच्छे से। मैं मेरे आते ही सारा कुछ रख दिया, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। बहुत तेज हो रहे है, बहुत तेज। यहाँ पे खाने पीने के बाद मेन्यू देखे जा रहे हैं भाई। वो भी लाहौर के। गाँव का यार अपना ही मज़ा। चेक करो हरियाली कितनी है, मज़ेदार ठंडी और मीठी हवा, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। गर्मी बहुत लग रही थी, कोट उतार दिया। यहाँ पे हम बन चुके हैं वैम्पायर। सिर्फ दांतों की कमी है, दांत लग जाएंगे तो फिर सबका चूसेंगे खून। बहरहाल वो तो अभी भी चूसता हूँ, छोड़ा कब हुआ किसी को। यहाँ पे मैं व्लॉग कर रहा हूँ एंड एक छोटे से धमाके के साथ।